इस इवेंट में मैं उतना ही अननेसेसरी हूं जितना इस एल्बम में मुनावर। क्या बात। बट लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज़ फॉर कश्मीर गाइस, द गाय बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। लेट्स गो। कश्मीर भाई ने जो किया है दैट्स अ हिस्टोरिक थिंग फॉर देसी हिप हॉप, एंड इसके लिए इनको बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे डीएम आ रहे हैं इनको, तो इनका कुछ डीएम हम पढ़ते हैं। इनको डीएम आ रहा है जो हम पढ़ते हैं। एल्बम डाल दे भोजड़ी के, 2 साल हो गए हैं अभी। अबे गांड में डाल स्निपेट, 2 साल हो गए हैं एल्बम डाल दे। क्लियरली एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर द एल्बम, एंड टाइम लगता है अच्छी चीजों को आने में, राइट? जैसे आपने अगर देखा लोगो कितना बढ़िया बनाया, आपने देखा इसका लोगो, इस लोगो में देयर इज अ स्नेक दैट इज ईटिंग इटसेल्फ, राइट? दैट्स अ सिंबल फॉर हाउ कश्मीर ने स्निपेट डाल डाल के, एक एक गाना डाल डाल के पूरे एल्बम की हाइप खा ली है खुद ही। कश्मीर ने एमसी स्टैन के साथ गाना निकाला हाथ भरती, और कश्मीर के एल्बम की हाइप झाट भर की। एमसी स्टैन इज हियर गाइस, एमसी स्टैन के लिए तालियां दोस्तों। एमसी स्टैन के फैंस ताली मारेंगे एक बार। अबे पर टिकट तो 1000 रुपए की थी भाई, तुम कैसे आ गए तुम लोग? एमसी स्टैन बिग बॉस जीता था दोस्तों, कृष्णा कभी बिग बॉस नहीं जीत सकता है, क्योंकि कश्मीरियों को घर से निकालना बहुत आसान होता है। सॉरी भाई, ये मेरा जॉब है भाई। भाई गांड मारेंगे मेरे सब लोग ऊपर जाके भाई। अभी 7 बंटाई इसके लिए तालियां एक बार, 7 बंटाई के लिए। ठीक है, 7 बंटाई में से सिर्फ 2 ही बंटाई आए हैं आज, क्योंकि योकू के साथ ऑटो में एक ही बंदा फिट होता है। तुम्हें पता है इस एल्बम में बहुत तीन लोगों ने बैकआउट किया है, इस एल्बम से तीन रैपर्स ने बैकआउट किया है, बहुत लोगों ने किया, तीन लोगों ने किया है। इसीलिए इस एल्बम में आप देखेंगे तो यशराज के 3 गाने। सॉरी, राजा कुमारी इज हियर, ऑनेस्टली यू नो राजा कुमारी इन द एल्बम, शी इज देयर, शी इज अ किलर। लेकिन मैं उससे, मुझे थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग वाइब आती है उससे, ना डरता हूँ थोड़ा सा मैं उससे, पर उतना नहीं डरता मैं जितना मैं हरजत से डरता हूँ आफ्टर दैट कलेशी छोरी जो निकाला उसने भाई। जस्ट किडिंग, उसका नहीं है वो गाना। जोक्स इक्का, अच्छा इक्का वाइब तो कुछ बोलूंगा नहीं मैं, वो शराब पी के लाइव चले जाएंगे वो। रफ्तार भाई के लिए तालियां, बहुत सारी रफ्तार भाई। रफ्तार भाई आज शराब ऑन द हाउस है, जो पीना है पियो, रेड लेबल, ब्लैक लेबल, ये मत पीना, लेबल आपसे संभलता नहीं है ना। अब कलमकार से पैसा आना बंद हो जाएगा मेरे को। एंड लास्टली इस एल्बम में लास्ट मोमेंट पे ताला अंजुम का कोलैब आया है, विच जस्ट गोज टू प्रूव कि कश्मीर का मामला हो तो पाकिस्तानी कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम, यू बीन अ लवली ऑडियंस। एंड जाने से पहले, थैंक यू सो मच गाइस, जाने से पहले ऑल माय रैपर फ्रेंड्स, यू गाइस आर डैम टैलेंटेड, आई फकिंग विश आई कुड डू व्हाट यू गाइस डू, यू आर डैम टैलेंटेड। एंड अगर कोई भी किसी को बुरा लगा है मेरी इस पूरे जोक्स का, अरे सुन तो लो पहले यार, तो प्लीज मेरे को डिसमिस करके तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है? मेरे को कोई गाली मत देना, मैं आ रहा हूं। पर अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पर लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपनी गांड में डाल देना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द नाइट।